दोस्तों, मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम और आप आज देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस का एपिसोड नंबर 2। और आज हमारे साथ हमारे चैनल पे हैं सबिया रहमान, जिसने एएमयू में एक अपना अलग मुकाम कायम किया और एक ऐसा, आप कहेंगे ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जिस भी बंदे ने एक बार पहले अचीवमेंट गेन कर लिया है तो उसे अब बार बार इस बात को प्रूफ करना पड़ता है कि यार ये अचीवमेंट मेरे से, कहीं पीछे वाले लोग मेरे पर सवाल ना उठा सके कि यार तुमने एमयू के 9th एंट्रेंस में रैंक 2 लाके 11th एंट्रेंस में तुमने कुछ रैंक नहीं लाया या वॉट एवर, जो भी चीजें हैं। तो ये लड़की ने एमयू के 9th एंट्रेंस में रैंक 2 अचीव किया और अब जो एग्जाम हुआ 11th इंटरेस्ट का रिजल्ट आया, बीइंग इंटरनल हो गई, 9th इंटरेस्ट में आ गई, इंटरनल के बाद इसने रैंक 6 लाई और एक ऐसे बैकग्राउंड से जहां पे ना आलमियत की चीजें ना मतलब दीन की भी चीजें पढ़ते पढ़ते हुए इसने ये अचीवमेंट को गेन किया। और मैं चाहूंगा कि इसकी स्टोरी आप इसकी जुबानी सुनेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आई वेलकम सबिया रहमान टू माई चैनल। वालेकुम व्यूअर्स और मेरे प्यारे उस्ताद, मेरे सारे टीचर्स नवाब साकिब इब्राहिम एंड बहुत सारे टीचर्स, तो जैसे कि मेराज सर, तो उसके पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का शुक्रगुजार होंगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल अदा करना चाहूंगी कि उसने मुझे हर मकाम पे, हर परेशानी में, हर मुसीबत में मुझे कामयाबी दी और आप लोगों तक अभी पहुंचाया और मैं आज आप सबके सामने रूबरू हूँ। तो मैं बताना चाहूंगी कि माई सेल्फ सबिया रहमान, मैं बिलोंग करती हूँ बरेली से और मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है कि मैंने दुनियावी सेक्टर में बचपन से स्टडी नहीं बल्कि दीन के सेक्टर में की। मतलब मेरे वालिद का एक ख्वाब था, एक सपना था कि वो मुझे हाफिज कुरान बनाए सबसे पहले और उसके बाद आलिम दीन एंड कारी भी बनाए। तो मैंने अल्लाह के फजल से मैंने इन चीजों को अचीव करते हुए, मैंने 7 साल की एज में, 7th ईयर में मैंने अपना हाफिजा कंप्लीट किया। माशाल्लाह, बहुत शानदार। मैंने एक अरेबिक यूनिवर्सिटी है मऊ घोसी करके एक कस्बा आता है आजमगढ़, तो वहां मैंने वहां पर मैंने एंट्रेंस दिया और वहां मैं बहुत छोटी थी तब मुझे उर्दू लिखनी भी नहीं आती थी, मतलब अच्छी भी थी, 7th ईयर की थी, मुझे इतना एक आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से चीजों में जाना है, लेकिन बस हाँ ये था कि मुझे मतलब कुछ करना है और मुझे नहीं, मुझसे ज्यादा तो मैंने अपनी फैमिली के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की है। मतलब एक ये था ना कि वालिद थे तो वालिद का ये कहना था कि बचपन से कि मेरी बेटी हाफिज कुरान बनेगी एंड आलिम दीन बनेगी, वो हमारी बख्शिश का जरिया बनेगी, तमाम ऑल मुसलमानों की बख्शिश का जरिया बनेगी। तो बस ये चीजें एक दिल में ख्वाब सा बन गई थी कि क्या हम इस लायक हैं, क्या हम इस काबिल हैं। तो जब मैंने अपने अंदर गौर किया और चीजों को देखा तो शायद मुझे लगा कि जब मुझसे लोग इतनी ज्यादा उम्मीदें बांधे हुए हैं, फैमिली मेंबर्स एंड मेरे जितने भी टीचर आज तक मुझसे जुड़े, तो बस एक सबको एक उम्मीद बन गई कि हाँ तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। तो मैंने, अगर मैं नहीं भी कर सकती थी, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए जहां तक था अपना 100% दिया और फिर मैं उस मकाम में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती थी कि खुद मुझे यकीन नहीं आता था कि क्या मैं ऐसा कर भी सकती हूँ और ये ऐसा हो गया, मतलब इतने अच्छे मकाम पर, तो बहुत अच्छा फील आता है। आपने जैसे मेरे को पहले बताया शायद आपके पेरेंट्स की किसी रोड एक्सीडेंट में शायद इंतकाल हो गया। रोड एक्सीडेंट में नहीं, वो दरअसल ऐसा हुआ था, एक एक्सीडेंट ही की तरह हम लोग उनकी मौत को समझते हैं, मतलब उनकी वफात को जो भी है, कि बस ये हुआ कि अचानक मेरी वालिदा को कैंसर हुआ लीवर में और उनकी 1 से 2 महीने 2 से 3 महीने में डेथ हो गई। फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद वालिद को भी सेम उसी जगह कैंसर हो गया, मतलब तो हम लोगों के लिए वो एक एक्सीडेंट की ही तरह है। और तब उस टाइम 10 साल की थी, मतलब मेरा आलिमियत का 2nd ईयर था, तो उतनी समझ भी नहीं होती है 10 साल के बच्चे को। तो खैर मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं रोई एंड मेरी बड़ी सिस्टर भी एक आलिमा है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे साथ रहती थी, मेरी 1 साल सीनियर भी थी। तो बस ये था कि अब्बू की डेथ हो गई, वालिदा की भी डेथ हो गई, फिर उसके बाद, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं दूंगी तो वालिद को तो दूंगी सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जो दूंगी तो मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर मुजीबुर रहमान को दूंगी अपनी जिंदगी का क्रेडिट कि हर मोड़ पे हमेशा अपने साथ रखा और हमेशा ये कहा कि बेटा कभी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, कोई नहीं, बंदे के आगे आती हैं और अल्लाह ही रब्बुल इज्जत देता है और वही दूर भी कर देता है। बहुत अच्छे,
मेरी जिंदगी में उनका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मतलब उन्होंने मुझे इतना अच्छा लेकर चले वो, और उन्होंने हमेशा मुझे ये समझाया। और एक बात वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि सबीहा तू जो कर रही है ना, तुझे खुद नहीं पता है, तू कर जाएगी और मुझे उम्मीद है। मैं हमेशा उनको बोलती भाई इतना कॉन्फिडेंस आपको मुझ पे, मतलब मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस, खुद को इतना यकीन नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन भाई तुम कर सकती हो और तुम्हारे अंदर वो पावर है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं दीन के सेक्टर में तो बचपन से थी, और जब दीन की लाइन में बच्चा रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुसलमान भाई हैं तो, और जो भी नहीं भी हैं तो वो खुद बखूबी समझ सकते हैं जो नहीं पढ़े होते उर्दू या अरबी, तो मतलब उनको कितनी डिफिकल्ट होती है वो लाइन। इसी तरह से मतलब 9th 10th तो दूर की बात, दुनियावी लाइन का एक लफ्ज वहां पे यूज नहीं होगा, लेकिन आलिमियत में हाँ ये जरूर फायदा है कि वहां जो आप फिकह की किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि हिदाया रह गई, जैसे मतलब कुछ ऐसी बुकें हैं हिदाया शरह वकाया, ये फिकही मसाइल हैं जिन्हें फिकही मसाइल कहते हैं, जो दुनियावी मसलों से रिलेटेड बातें रहती हैं दुनियावी। अच्छा, तो वो सब चीजें बताई जाती हैं, बायो से मैच करती हैं थोड़ा ओके ओके बायो तो, से मैच करती हैं। बट वो फील्ड अगर आलमियत कर लेगा कोई बच्चा तो उसके पास बीइंग, अगर हम इक्विवेलेंट किसी कोर्स के हिसाब से बात करें तो किसकी किसकी डिग्री मिलती है अगर आलमियत कर लेगा वो, तो कर सकती है अरेबिक से डायरेक्ट, मैं पीएचडी भी कर सकती थी और मैं डायरेक्ट एमएस भी कर सकती थी, बट मैंने उन चीजों को नहीं लिया। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत छोटी छोटी एज में इन चीजों को सर हासिल किया। मैं 7th year में थी, मेरा हिफ्ज कंप्लीट हो गया, एंड मैं जब 14 की हुई तो मेरी आलिमियत और किरात दोनों कंप्लीट हो गई। शुभिया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने जो ये आलिमियत वाली जो लाइन है, आलिमियत से फिर कैसे स्विच किया स्कूल्स वाले सेक्शन में, कैसे तुम्हें आई क्लास 8 का पार्ट कहां से शुरू? जी सर, मेरे घर में असल में दीन और दुनिया दोनों का माहौल है सर। तो सर मेरे घर में कुछ लोग दीन के सेक्टर से बहुत ज्यादा आगे हैं और कुछ लोग दुनियावी सेक्टर से, जैसे कि मेरे दो ही भाई हैं तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एमडी फाइनल है, हाँ, और बताया आपने, और भाभी भी मेरी गायना है और गायनोलॉजिस्ट है, एंड मेरा सेकेंड भाई जो है वो भी एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में है। हाँ, वालिद मेरे टीचर थे, बचपन से घर में माहौल था पढ़ने का, तो बस कुछ ऐसा था कि मैंने आलिमियत अपनी मुकम्मल की। उसके बाद से भाई का एक अचानक प्लान बना कि अभी आपको, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एएमयू यूनिवर्सिटी जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, तो वहां पर आपको एंट्रेंस मैं दिलाऊं 9th में। तो मैंने आके उनको बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बोले कि नहीं मुझे यकीन है कि आप कर सकते हो। तो ऐसे ही क्लास 8 में किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, फिर वहां से अपना मैंने 8th क्लास में हमारे ही यहाँ एक यूपी बोर्ड से है चतुरी प्रसाद शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल करके, वहां से मैंने 8th अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं फौरन यहाँ अलीगढ़ में आ गई अपने भाई के कहने पर। मतलब 9th का प्रिपरेशन किया आपने कहीं से? 9th का प्रिपरेशन बस कुछ ही महीने एक कोचिंग से किया। अच्छा, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये है कि कोचिंग से तो किया, लेकिन कोचिंग से ज्यादा मैंने खुद पे फोकस किया, अपनी मेहनत को बरकरार रखा मैंने। और 9th 10th अभी 10th का एग्जाम था, एमयू का इंटरनल का, मतलब एमयू के एग्जाम का रिजल्ट आया, प्रिपरेशन के लिए मैंने अपना 100% दिया और जितना भी मुझसे हो सका। इवन 9th में कुछ लम्हे तो ऐसे थे, शायद महीना ही मान लीजिए एक, कि मैं फज्र की नमाज पढ़ के सोती थी, मतलब मैंने इतना हार्ड वर्क किया अपने, काफी मेहनत की। तो उसके बाद मैंने जब 9th एंट्रेंस दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड रैंक के साथ सेकंड रैंक पे अपना अपने आप को पाया, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरे भाई ने मुझे फिर एक बहुत बढ़िया सा मोटिवेशन दिया कि देखो मैंने कहा था कि तुम कर सकती हो, तो बस ऐसे ही वो मुझे मोटिवेट करते रहे और मैं भी अपना 100% देती रही। इसी तरह से मैंने 9th और 10th AMU से किया, तो
सर, और नाइन्थ टेंथ करने का भी मेरा ये जर्नी नाइन्थ टेंथ में रही कि नाइन्थ किया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कोरोना के चलते अभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन कोई नहीं, एएमयू ने फिर भी हमें पूरा 100% दिया, कोशिश किया, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी परफेक्ट कोशिश की हम लोगों ने, बाकायदा ऑनलाइन क्लास की, सब अच्छे से किया, और हम लोग जैसा टीचर्स करते गए गाइड हम लोगों को, बस हम लोग वैसा पढ़ते गए और चीजें कवर होती रही। इवन जब नाइन्थ भी गुजर गया, टेंथ आ गया, टेंथ होता रहा, कुछ ही महीने अभी गुजरे ही थे कि फिर मेरी तबीयत में ऐसा कुछ खराबी आ गई, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन फिर बीमार तो हो गई थी लेकिन एक पढ़ने की ख्वाहिश दिल में बाकी रहती थी, शायद मैं ये भी पढ़ने से भी ना उम्मीदी कर बैठी थी कि मुझे ये लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं पढ़ूं, मतलब मैं हारती रही थी थोड़ा अपने आप, हाँ थोड़ा मैं मतलब परेशान होने लगी थी बहुत ज्यादा बीमार रह रह के। इधर आके टेंथ में जो अचानक बीमार हुई मैं, तो उसमें परेशान सी होने लगी कि मुझे मोटिवेशन, फिर दोबारा मोटिवेशन भाजन की तरफ से मिलता रहा या अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आ रहा? नहीं, मैं जब बीमार हो गई तो मैं खुद में डीमोटिवेट होना शुरू हो गई और मैं बहुत रोने लगी और एकदम से मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ गई, मतलब एंजाइटी की शिकार हो गई और इतना ज्यादा रोती थी, लेकिन मैं अकेले अकेले में भी रोना स्टार्ट कर दी, मतलब बस शायद मैं बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे जा रही हूँ या मेरी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, 100 में मान लीजिए मैं 50 तक मैं मान रही हूँ कुछ महीने में नहीं दे पाई, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी और अभी मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि सेकेंड रैंक से एकदम नीचे आ जाना, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्गति का मकाम है और ऐसे हम समाज के सामने ये चीज तो शो नहीं कर सकते, समाज ये नहीं देखता, ये नहीं देखता। एग्जैक्टली, मैं ये बात सिंपल बोलता हूँ, ये सोसाइटी जो कहते हैं ना, सोसाइटी ने कुछ अलग बना रखा है यार, मतलब कि क्या हुआ उस बंदे के साथ, क्या दुविधा थी, क्या परेशानी थी, ये लोग नहीं समझते। हाँ, बस अचीवमेंट्स में मिठाइयां खाने जरूर आते हैं, लेकिन जब अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो यार मोटिवेट करने भी आना चाहिए। ठीक है, हाँ। एक मैं अशार बोलना चाहूंगी कि कोशिश के परोही से परवाज़े तरक्की है, कोशिश के परोही से परवाज़े तरक्की है और उड़ते हैं फजाओं में हर आन लगन वाले, तो क्या बात तो ये बात मेरे भाई ने मुझे बोली कि आप ही तो इतने अच्छे से बोलते हो कि कोशिश के परोही से परवाज़े तरक्की है और उड़ते हैं फजाओं में हर आन लगन वाले, तो क्या अभी आप इतना ज्यादा अपना हौसला पस्त कर रहे हो, अभी इतना ज्यादा अपने आप को मतलब लो फील कर रहे हो, आप इतना आप कर सकते हो बेटा, आप जाओ अच्छे से और करो। और मेरी मेरी सारी बहनें भी बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर्स ने, मैं आई यहाँ कुछ एक दो महीना पहले बोर्ड एग्जाम से आई और मैंने एक कोचिंग फिर ज्वाइन की, लेकिन हाँ मैं कुछ दिन उसमें क्लास कर पाती थी, कुछ दिन नहीं कर पाती। अच्छा, हाँ अब ऐसा भी था कि मेरे टेस्ट भी वहाँ होने लग गए लेकिन मेरा रिजल्ट बहुत खराब आने लगा, बहुत ज्यादा, तो फिर डिमोटिवेट के शॉक्ड होती रही, डिमोटिवेशन फिर से आ गया मेरे अंदर। उसी वक्त तुमने मेरे को कॉल किया था, उसी वक्त मेरे को कॉल किया था, सर मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूं, मैं बहुत टाइम आपको परेशान हो के कॉल की हूं, तो फिर एक महीना रह गया, मतलब मैं एग्जाम दे दी, जैसे कैसे करके एग्जाम दे दी, बोर्ड हो गया, लग कैसा रहा परफॉर्मेंस, ये भी मैं जानना चाहूंगा। वो कोचिंग मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ उन लोगों ने तो अपना 100% दिया जी। उन लोगों ने अपना 100% दिया, हम लोगों पे मेहनत की कमी नहीं की, बाकी ये हुआ कि मेरी तबीयत ने ही इतना मेरा साथ छोड़ दिया कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं बस लेटी रहती थी और ऐसे लेटे लेटे थोड़ा बहुत कुछ देख लेती थी, लेकिन इतना मैंने बोर्ड लेवल का इतना कर लिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड में भी 85% से बोर्ड को पास किया। शानदार, बहुत शानदार, चलो अच्छी बात है। तो फिर एंट्रेंस का दिन नजदीक आया ना, अब हम लोग बोर्ड करने के बाद ये हुआ कि अभी एक लास्ट का एडिशनल वाला एग्जाम रह भी गया था, हाँ वो एग्जाम कैंसिल हो गया शायद आप लोग का, वो एग्जाम कैंसिल हो गया लेकिन कोई नहीं, वो तो एडिशनल था, बाकी सब हो ही गए थे। हाँ, मेन सब्जेक्ट आप लोग के सबके हुए थे ना, ये इंटरनल वाले बच्चे जो आप सीबीएसई वाले लोग बच्चे हो, अगर आप सुन रहे होंगे, एमयू के इंटरनल के सारे एग्जाम हुए थे एक्सेप्ट द एडिशनल वाला पार्ट, जिन बच्चों ने सब एग्जाम दिया है ऑफिशियली, मेरे ख्याल से ऑफलाइन एग्जाम हुए थे आपके और आप उसमें 85% मार्क्स लाए, आपने बहुत अच्छी बात है सभी। तो फिर इंट्रेंस के प्रिपरेशन कैसे शुरुआत हुई आपकी? उसके बाद कुछ ये हुआ कि मैं घर चली गई नॉर्मली, जब ये चीज हुआ कि सबको अब अभी जाना है और दोबारा लॉकडाउन जो हुआ था, तो फिर मुझे इतना ज्यादा मतलब अजीब टेंशन होने लगा कि ये क्या चल रहा है, मतलब लग रहा है ऐसे तो लाइफ हमारी रुक सी गई है अभी, मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो कोई नहीं, फिर मैं गई घर
और उसके बाद जैसे ही मैं घर गई तो फिर 15 दिन नहीं गुजरे कि मेरा एक टेस्ट हुआ, मतलब ये ब्लड का सिंपल, तो बस वो बहुत कम हो गया था और जिसकी वजह से मैं अपने आप को काफी वीक फील कर रही थी, तो मैं बहुत परेशान थी काफी। तो मैंने अपने, मेरे भाई तो मुझे हमेशा देते थे मोटिवेशन, उसके बाद से मेरी एक कजन ने मुझे नवाब साकिब इब्राहिम सर के बारे में बताया कि, और मेरे एक कजन ने और बताया था, तो वो बोली कि वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक अच्छे मैथ के टीचर भी हैं, मतलब एक अच्छे इस पर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं जब उसकी बातें सुन रही थी, वो मेरी छोटी कजन, उसने 9th की शायद प्रिपरेशन की थी सर से, तो मेरे से पढ़ी भी है तुम्हारी छोटी बहन, इल्मा, इल्मा, अच्छा इल्मा शरीफ, या एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल इल्मा शरीफ, हाँ ठीक है, हाँ। तो बस उससे सुन के मुझे लगा कि शायद सर मुझे कुछ ऐसा दें कि जिससे मुझे भी थोड़ा हौसला अफजाई हो मेरी, तो मैं बस ऐसे ही सर को डायरेक्ट एक दिन कॉल कर दी, और सर को कॉल की तो सर बहुत खुश हुए, कहने लगे कि कोई नहीं, आप हमारे उसमें ज्वाइन हो, बिल्कुल हो, ये वो। तो बहुत सारी बातें सर ने मुझे बहुत समझाया कि कोई नहीं, कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत भी खराब, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, लाइफ का ही है, तो आप टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हौसला आया, और वक्त की बात है, हाँ। फिर मैंने शायद आपको ना बैच में ज्वाइन कराया था, तो आपने सारी क्लासेस वगैरह देखी कि नहीं देखी, मतलब लाइव क्लासेस तो मैं बहुत रेयर करके तो मैं देखा हूं। क्लासेस का ये था कि जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो मैं प्रॉपरली उसकी ही क्लासेस को रेगुलरली नहीं कर पाती थी, तो अभी मैंने आपकी भी क्लासेस पूरी तो नहीं देखी, हाँ बहुत अच्छे से देखी जितना भी मुझसे हो पाया। एंड मैंने आपकी जो टेस्ट सीरीज थी ना 10 डेज की, करो या मरो सीरीज को बहुत अच्छे से अवेल किया तुमने, वो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की, एंड उसमें हम लोगों को 200 से भी प्लस क्वेश्चंस दिए जाते थे, वो हम लोग अपनी ईमानदारी के साथ, मैं तो अपनी अकेले ही रूम में बहुत अच्छे से एकदम सारी बुकें एक साइड में करके, और मेरे भाई भी रहते थे और भी सब लोग रहते थे, तो ऐसा नहीं है, उन लोगों के साथ रह के मैंने, उनके बीच में मैंने के बस नवाब सर को एंड अपनी जो कोचिंग में करती थी तो कभी कभी उनका भी देखती रहती थी, उनके भी कंटेंट देख लिया करती थी आप, वो फॉलो करते हुए बस मैंने अपनी स्टडी देखी, हाँ बहुत अच्छे से देखी जितना भी मुझसे हो पाया। एंड मैंने आपकी जो टेस्ट सीरीज थी ना 10 डेज की, करो या मरो सीरीज को बहुत अच्छे से अवेल किया तुमने, वो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की, एंड उसमें हम लोगों को 200 से भी प्लस क्वेश्चंस दिए जाते थे, वो हम लोग अपनी ईमानदारी के साथ, मैं तो अपनी अकेले ही रूम में बहुत अच्छे से एकदम सारी बुकें एक साइड में करके, और मेरे भाई भी रहते थे और भी सब लोग रहते थे, तो ऐसा नहीं है, उन लोगों के साथ रह के मैंने, उनके बीच में मैंने के बस नवाब सर को, एंड मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को कायम रखा, और मैं करती रही ऐसे ही क्वेश्चन डेली बेसिस पे 10 डेज, बस 10 दिन का मतलब शानदार मेहनत, मतलब 25 डेज पे जब मैंने सर को कॉल किया था, और मैंने सर को एक बार नहीं, मैंने सर भी जानते होंगे, मैंने सर को 3-3 बार कॉल किया उसी 25 डेज में, इतना घबरा जाती थी खुद में कि मुझे लगता था मैं शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगी, और एक इंटरनल के लिए अगर वो क्वालिफाई भी ना कर पाए तो इससे बड़ा बेइज्जती का मकाम कुछ नहीं है। सही, तो ये बताएं सभिया कि क्या सच में सिर्फ इतनी क्लासरूम करना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, और क्या लास्ट ईयर के पेपर्स हेल्प करते हैं? मैं ये बोलूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्ट हैं, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो करना ही करना है, और जो नवाब सर की बूस्टर है उसको फॉलो करो, बाकी आप जिस कोचिंग से भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कोचिंग में सारे टीचर्स अपना 100% देते हैं, बच्चे जैसा वो करा रहे हैं बस बच्चा फॉलो करता रहे, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाता रहे, और जो सर की बूस्टर की जो बुक है बस वो अच्छे से फॉलो करे, मतलब उसी पैटर्न से आता है। एंड मैं तो ये कहूंगी कि 9th और 11th का जो लोग एंट्रेंस दें तो वो बिल्कुल नवाब सर को फॉलो करें, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ सर बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो मेरे लिए। शुक्रिया। अच्छा एक लास्ट सवाल बस आपसे कहूंगा, वैसे ऑलमोस्ट बातें तो आपने बता दिया सभिया, कि हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई लेसन देना हो तो तुम्हारी स्टोरी यार सुन के मेरे ना कभी कभी तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि सच में यार क्या चीज, मतलब अल्लाह ताला, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के भी कि सच में आपको मतलब कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहे भाई के रूप में मिला हो या आपकी बहनों की तरफ से हो, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट या कोचिंग तरफ से या मेरे तरफ से भी जो भी सपोर्ट मिला है ना। ऐसा नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में बचपन से लेके आज तक जितने भी मेरे उस्ताद मोहतरम आए, जितने भी टीचर आए, वो बहुत ही बेस्ट रहे, उन्होंने मुझे अपना बेस्ट दिया और मैंने उनको अपना बेस्ट दिया। बहुत शानदार।
तो अगर कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए लास्ट मैसेज अगर कुछ देना हो तो क्या देना चाहेंगे आपकी अपने लाइफ? व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने अंदर सबसे पहले अपने हौसले, हिम्मत और जज्बे और लगन को कायम रखें, और उसके साथ बस जो टीचर करा रहे हैं, जिस जगह भी आप कर रहे हैं, तो बस एकदम 100% देते रहें और डटे रहें बिल्कुल कोशिश में, तो आप देते रहोगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजता रहेगा, चीजें मिलती रहती हैं। बहुत 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 शुक्रिया सभिया। तो हमने आज अगर सभिया की एक लाइफ स्टोरी को या सक्सेस स्टोरी को अगर हम शॉर्ट में बात करना चाहें, तो बहुत सारी परेशानियां, परिस्थिति, माँ बाप के ना रहते हुए भी एक साइड में अल्लाह ताला कोई ना कोई माँ बाप के रूप में आपके साथ, इसके भाई के रूप में अल्लाह ताला ने इसे एक अच्छा भाई दिया, जिसने एक बहुत शानदार मोटिवेशनल इसको हमेशा देते रहे, और वो मोटिवेशन लाइफ टाइम देंगे ऐसे टीचर, आप जैसे टीचर एंड मेरे, हम लोगों जैसी दुनिया में सबको फैमिली अता करे, और मेरे नजरिए में जो लोग बेहतर होते हैं उन्हें बेहतर ही मिलता है। बेशक। तो ये ना, ये चीज ना, इसको बहुत हेल्प किया, और मैं चाहूंगा सच में, जैसे लास्ट बात ने कही, मैं हर बच्चों को भी ओरिएंटेशन सेशन जो भी लेता हूं मैं, उसमें भी ये बात कहता हूं कि अब फाइनली आपको जो आपके टीचर कहता है, एक्सपीरियंस्ड है टीचर ऐसा नहीं है ना, उसने भी अपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, वो जो ऐसा बोलता है वैसा आपको करना चाहिए, और इंशाल्लाह आपकी मेहनत, आपका आपकी मेहनत जरूर कामयाब होगी और एक सफल रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और अगर आप चैनल पर नए आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए आप वीडियोज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज।